हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम पे बहुत ही लॉजिकल हैं और ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन मुझसे बात नहीं कर रही है। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी गोस्ट कर रहे हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में विक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी इस कनेक्शन में बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। सो दिस पर्सन डोंट वॉन्ट टू लॉस हिज पर्सन लूज इस पर्सन। सो ये यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके प्रति ये अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं और ये पर अभी ये थोड़ा सा गार्ड अप हो के दूर दूर से ये आपको गोस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, कोई आपका अफेयर तो नहीं हो गया है या आप किसी और के साथ तो नहीं है, क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स चेक मोर सम। ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में बैलेंस आए और एक नई शुरुआत की जाए। ओके, सो मैं यहाँ से भी इनकी कुछ एनर्जीज को देखना चाहूँगी कि इनकी क्या एनर्जी चल रही है इस टाइम पे। ओके, ये इस टाइम पे अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और इन्हें बहुत जल्दी हो रही है कि ये किसी तरह से आपके पास पहुँचें और ट्रैवल करें, लेकिन ये फिर भी अभी डिवाइन के द्वारा ये कनेक्शन को थोड़ा पोस्टपोन किया जा रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन की हीलिंग भी चल रही है इस टाइम पे। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि आपको, ये पर्सन जो है इस टाइम पे अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और ये पर्सन जो है अभी अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। इनको एंजेलिक मैसेज दिए जा रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है और ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते रहे हैं, तो इस चीज़ से इनको निकाला जा रहा है इस टाइम पे। ये अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी समस्या में है, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका पर्सन भी बैक एंड फोर्थ कर रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं या कोई आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं और उसके द्वारा हम एनर्जीज को चेक करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन और किस तरह से सिचुएशन में बैलेंस लाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ओके, मैं एंजल कार्ड लेने से पहले मैं यहाँ पर कुछ इनिशियल्स लेना चाहूँगी कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, दर्शन। ओके, सो यहाँ पर इनिशियल है के, ई, एच, एफ, टी, आर। ओके, यहाँ पर किसी का बर्थडे 8 को हो सकता है, किसी का बर्थडे 2 को हो सकता है। वन मोर, ओके, सी, सी भी यहाँ पर आया था इनिशियल में। सो लेट्स चेक व्हाट इज द एंजल मैसेज फॉर यू। देखो, यहाँ पे डिवाइन भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प। अगर यदि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है आप सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है, सो यू नीड टू हेल्प। ओके, आप अपनी किसी पर्सन से हेल्प लीजिए। पर्सन से ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी रीडर से या किसी काउंसलिंग करवाइए, कुछ आप जो है इस तरह की हेल्प लीजिए किसी प्रोफेशनल से, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, ठीक है, और आपकी भी हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन की भी हीलिंग चल रही है यहाँ पे। सो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस ऑलवेज।
ओम नमः शिवाय। यदि आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग, हीलिंग या टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।